तो मैं आपको प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ। ये भाई हमारा बुल ऑन का बम्पर है जो कि 21,500 रुपए का होता है। ये 12,000 रुपए का बम्पर है। 4,000 से भाई ग्रिल शुरू हो जाती है 15,000 रुपए का। ये 20,000 रुपए का हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है। ये 5,000 रुपए की डिवाइस होती है हाइपरसोनिक की 360 कैमरा। 2,000 से लेके 15,000 रुपए तक हमारे पे रेडी स्टॉक है। ये 4,000 का हमारा स्टेपनी कवर होता है। 1,500 रुपए से हिंच चालू हो जाता है। 8,000 के पिलर पॉट है। 6,000 रुपए से लेके 14,000 रुपए तक एसी वेंट हमारे पे रेडी है। 2,800 से स्टार्ट होके हमारे पे 6,000 तक मिल जाती है। 4,000 रुपए से हेडलैम्प शुरू हो जाती है। 5,500 रुपए से टेल लैम्प शुरू हो जाती है। और जो स्टार्टिंग रेंज है पीपीएफ की वो 30,000 की होती है। थार की प्रॉपर लाइटिंग है K3 K4। इसमें मैं आपको 5,000 रुपए से लेके 9,500 रुपए तक सारी वैरायटी दे देता हूँ। वेलकम टू आर चैनल ऑटो गैलरी। थार आई थी हमारे मॉडिफिकेशन के लिए। मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको दिखाने से पहले मैं आपको थार की सारी एक्सेसरीज मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। ये हमारा रूबीकॉन बुल ऑन का बम्पर है। ये भी बुल ऑन का बम्पर है जो कि पियानो फिनिश है। उसके बाद बुल ऑन का वो बम्पर है डबल प्रोजेक्टर। यहाँ आ जाओ, ये बुल ऑन का बम्पर नहीं है लेकिन रूबीकॉन कॉपी है। ये आता ओवरलैंड। 5 बम्पर की वैरायटी हमारे पे रेडी है। और ग्रिल की वैरायटी चेक करो, सारे डिजाइन सारे कलर रेडी स्टॉक रहने वाले हैं हमारे पास। और दिखा दूं भाई, लोगों के पास फोटो में नहीं है, स्पोर्ट्स स्टीयरिंग, फ्लैट बॉटम, कार्बन फाइबर हमारे पास रेडी स्टॉक है। ये दिखा देता हूं भाई मैं OEM वाला एंड्रॉयड स्टीरियो जो थार के लिए प्रॉपर आता है। अपना यूट्यूब वीडियो नेविगेशन 360 कैमरा भी ये है हमारा जो इसके साथ कंपैटिबल है। प्रोजेक्टर तो भाई हमारे पे सारे रेडी स्टॉक रहने वाले हैं। बेसिक वाला नॉर्मल भी, ब्लू टिंट भी, 3 कलर भी। भाई इंजन शील्ड की भी वैरायटी चेक कर लो, बुल ऑन की है, मॉन्स्टर है, ब्लैक ओवरलैंड है। ये डेड पेडल है भाई, ये अपने ये सारे आ जाते हैं हिंच, ब्लैक एंड रेड ज्यादा चलता है। और 4x4 हमारा स्टेपनी कवर आ जाता है। और स्नॉर्कल, ये दो डिजाइन होते हैं, दोनों अपने पे रेडी स्टॉक है। यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ दिखा दो। ये अपने पिलर पॉट जो थार के ही होते हैं, आगे ट्यूटिंग की बड़ी कमी आती है थार के अंदर, तो वो भी 2-way स्पीकर के साथ लग जाते हैं। और ये अपनी आ जाती है भाई हमर लाइट, ये आ जाती है UFO लाइट, और ये आ जाती है फ्लैशर लाइट। ये अपने जो अपने स्पीकर्स हैं उनकी जालियां हैं विद लाइट, कार्डी कंपनी की। ये हमारी ग्रिल लाइट है। और ये हमारी किट है कार्बन फाइबर जो हेडलैम्प, टेल लैम्प, हैंडल के लिए सब के लिए आती है। ऐसी क्रोम वाली भी आती है। ये 16 पीस की हमारी एडवेंचर किट होती है। एसी वेंट का तो हमने धमाका मचा रखा है पूरा। एसी वेंट में सारे डिजाइन हमारे पे रेडी स्टॉक होते हैं, जिसमें हमारा K3, K4 और टर्बो डिजाइन जो AMG में आता है, AMG तो सबको होता है, टर्बो डिजाइन हमारे पे रेडी स्टॉक है। ये DRL का करिश्मा देख लो भाई, सारे DRL जितने डिजाइन आते हैं वो सब रेडी स्टॉक है। डबल प्रोजेक्टर, डबल पाइप, सिंगल पाइप, स्मोक DRL, मस्टैंग वाला डिजाइन, और हेडलैम्प का तो आप देख ही रहे हो भाई, आप देखते देखते थक जाओगे। आपके मन में आएगा ये लगवा लूं, ये लगवा लूं, ये लगवा लूं। जितनी भी टॉप एंड लाइटें आती है वो मेरे पे रेडी स्टॉक है। कुछ हेडलैम्प मैं आपको दिखा देता हूं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। ये भाई माइनस वाली ओरिजिनल लाइट है, और ये उल्टा यू मॉन्स्टर, ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली है। ये रिंग और माइनस, ये बहुत ज्यादा रहती है। बाकी तो सारे बिकते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा बिकती हैं। आ जाओ भाई आपको दिखाते हैं टेल लैम्प। जितने भी इंडिया के अंदर डिजाइन आते हैं वो सारे हमारे पे रेडी स्टॉक हैं। आपके सामने दिख रहे होंगे वो स्मोक वाला, उसको क्रॉस बोलते हैं और 3D बोलते हैं, वो भी 3D है। और ये X वाला जो चल रहा है, ये रूबीकॉन वाला चल रहा है, ये फ्लावर्स वाला डिजाइन है, ये भी एक्स वाला स्मोकी है। ये भाई हमारी जी वैगन वाले स्पॉलर लाइट थार के लिए है, प्रॉपर थार में फिट हो जाते हैं। ऊपर सारे फंक्शन होते हैं इसके अंदर, पार्किंग, ब्रेक, मैट्रिक्स, इंडिकेटर, रिवर्स तक का भी इसमें फीचर होता है। रिफ्लेक्टर्स के भी डिजाइन आप देख सकते हो भाई, सारे ही रहने वाले हैं हमारे पास। और ये आर्मरेस्ट है हमारे, ये पियानो फिनिश कार्बन फाइबर सी टाइप चार्जर के साथ होता है।
और ये नॉर्मल वाला है, यूएसपी वाला, ये कार्बन फाइबर है। तीन पीस की किट आती है, एक बीच का होता है फ्रंट वाला और दो पीछे के होते हैं। और थार की एम्बियंस लाइट 9 पीस से लेकर 13 पीस तक हमारे पे सारी रेडी होती है। कार्डी कंपनी की होती है, प्रॉपर ऐप से काम करती है, सारी कलर चेंजिंग होती है। इसके अंदर में K3 K4 दोनों मेरे पास रेडी स्टॉक होती है और 9 पीस से लेकर 13 पीस तक हमारे पास रेडी स्टॉक होता है। और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी हम रिकमेंड करते हैं आपको, अगर आपकी ब्रांड न्यू कार है, शोरूम पीस है और उस पर स्क्रैच ना लगे, गाड़ी का जो पेंट है वो मेंटेन रहे, हमेशा आपकी गाड़ी शाइन मारती रहे, कभी आपको रबिंग पॉलिशिंग कराने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, और गाड़ी अगर बाई चांस कोई बच्चे ने स्क्रैच मार दिया है, गाड़ी रगड़ खा गई है, तो आपको भाई पेंट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पीपीएफ उतारा और नया पीपीएफ लगाया, बट दैट्स इट। तो गाइस इस सामान दिखाने का एक मोटिव तो है ही है, अगर मैं आपको इसके प्राइस नहीं बताऊंगा तो फिर इस सामान का दिखाने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं आपको प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ। ये भाई हमारा बुल ऑन का बम्पर है जो कि 21,500 रुपये का होता है, यही बुल ऑन का है। ये पियानो फिनिश है तो ये 5,000 रुपये ऊपर होता है, ये पियानो फिनिश कराना पड़ता है कंपनी से, ये ऐसे ही आता है। ये हमारा बुल ऑन का जो बम्पर है ये 20,000 रुपये का होता है, डबल प्रोजेक्टर। मैं एक एक चीज़ के आपको रेट बताता जाऊंगा मेरे भाई। ये हमारा सबसे सस्ता बम्पर है जो कि प्लास्टिक का है, ये सबसे बेकार क्वालिटी है, ये 12,000 रुपये का बम्पर है और सबसे बेकार क्वालिटी, हल्का सा लगते ही टूट जाता है भाई। ये तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि ये आप अपनी गाड़ी में डलवाएं, क्योंकि 12,000 रुपये मट्टी करने वाली है, इससे बढ़िया आप बुल ऑन का 21,500 रुपये का बम्पर डलवा सकते हैं। और भाई ये 12,000 रुपये का जो बम्पर है ये हमने रखा हुआ क्यों है भाई? हमने बेचने के लिए बिल्कुल नहीं रखा हुआ, लेकिन कस्टमर को हम कुछ दिखाएंगे तो भाई ये 12,000 का मार्केट में क्या बिक रहा है, तो बस हमने रखा हुआ है, अगर किसी ने लगवाना है तो लगवाए, हमने आपको बता दिया ये बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी बम्पर है। वो देखो भाई वो ओवरलैंड बम्पर है, मेटल शीट है पूरी, बहुत हैवी बम्पर है, ये भी बहुत सॉलिड है, अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बम्पर ऑफ रोडिंग के लिए। ये आपको पड़ता है 21,000 रुपये का। भाई ग्रिल, ग्रिल के प्राइस मैं आपको बता दूं, मेरे पास ग्रिल शुरू हो जाती है 4,000 से भाई ग्रिल शुरू हो जाती है, और हर ग्रिल का प्राइस अलग है, जैसे बुलॉन हो गया, ABS ग्रिल हो गई और फाइबर ग्रिल हो गई, तो आपको तो सब 7 स्लॉट में दिख रहा है, आपको क्या लगेगा कि भाई ये 4 की कैसे है, ये 5 की कैसे है, ये 6 की कैसे है, तो भाई वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है। और भाई जो स्पोर्ट स्टीयरिंग जो मैंने आपको दिखाया था फ्लैट बॉटम, ये भाई 19,500 रुपये का आपका होता है, और अगर आपको अपना स्टीयरिंग मुझे वापस देना है तो ये पड़ता है भाई 15,000 रुपये का, 4,500 का स्टेयरिंग आपका लेस हो जाता है। ये हमने ओरिजिनल स्टेयरिंग पे काम करवा के अपने पास रखा हुआ है, जिससे कि कस्टमर को वो टाइम खराब ना हो, क्योंकि इसको 15 दिन करीब करीब लगते हैं बनने में, पूरा काम होता है इसके ऊपर। भाई एंड्रॉयड के बारे में बता दूं मैं आपको, ये 20,000 रुपये का हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है जो 4:64 होता है, और ये 360 कैमरा, ये जो डिवाइस है ये अलग से आती है, ये 5,000 रुपये की डिवाइस होती है हाइपरसोनिक की 360 कैमरा। भाई प्रोजेक्टर की वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2,000 से लेके 15,000 रुपये तक हमारे पे रेडी स्टॉक है। इसमें क्या चीज़ है जो 2,000 से 15,000 रुपये तक है? तो 2,000 रुपये का ये आता है भाई IPS का प्रोजेक्टर, जिसमें कोई वाइट LED बल्ब कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोजेक्टर है जो 2,000 रुपये का होता है IPS का। उसके बाद जैसे ब्रांड मैं बता दूँ, DSC ब्रांड है मेरे पे, हाइपरसोनिक के सारे ब्रांड हैं मेरे पे जितने भी हैं, तो ये जो सारे ब्रांडेड हैं इनके अंदर विद LED है। DSC हाइपरसोनिक के प्राइस अप होते हैं, लेकिन क्वालिटी भी भाई उसी तरीके से होती है, आपको दिख जाएगा 3 कलर्स वाला प्रोजेक्टर आपको हर जगह मिलता है, ये वो है, ये कोई इतना खास ब्रांड नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल लाइट है, जो ब्रांड है आप लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर उससे आपको प्रॉपर थ्रो दिखता है। इंजन शील्ड के प्राइस जो है वो 4,000 से 6,000 रुपये तक रहने वाले हैं, वो हर ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बुल ऑन का सबसे ऊपर होता है। और ये आ गया भाई हमारा स्टेपनी कवर, ये 4,000 का हमारा स्टेपनी कवर होता है। और हिंच, हिंच की भाई बहुत वैरायटी आई हुई है मार्केट में, 1,500 रुपये से हिंच चालू हो जाता है और 3,000 रुपये तक भाई हिंच होता है। भाई ये 4,000 रुपये के ग्रैब हैंडल रहने वाले हैं, इसमें ब्लैक कलर भी है, रेड कलर भी है, वो आप कोई भी लगवा सकते हो। भाई ये हमारे स्नॉर्कल हैं, इसमें 2 डिजाइन आते हैं, दोनों हमारे पास होते हैं, ये हमारा 5,000 रुपये का होता है और ये 4,000 रुपये का होता है। भाई ये पिलर पॉट है हमारे, 8,000 के पिलर पॉट है,
और ये भाई सारे एसी वेंट है, इसमें 6,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक एसी वेंट हमारे पे रेडी है भाई। वहां आप देख सकते हो डीआरएल जो 2800 से स्टार्ट होके हमारे पे 6,000 तक मिल जाती है, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट क्वालिटी। भाई हेडलाइट की वैरायटी मैं आपको दिखा दूं, मेरे पे 4,000 रुपए से हेडलाइट शुरू हो जाती है और भाई 28,000 रुपए तक मेरे पे लाइट है, 28,000 तक मेरे पे लाइट रेडी स्टॉक है। भाई टेल लैम्प की भी मैं बात करूं तो मेरे पे 5,500 से टेल लैम्प शुरू हो जाती है, 5,500 रुपए से टेल लैम्प शुरू हो जाती है और 11,000 रुपए तक मेरे पे रेडी है। रिफ्लेक्टर की बात करूं तो मेरे पे 1,000 रुपए से शुरू होकर 1,500 तक रिफ्लेक्टर होता है, 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक, वो डिजाइन पे चलता है। भाई आमरेस के प्राइस की बात करें तो हमारे 5,000 रुपए से आमरेस शुरू हो जाता है, लेकिन वो 5,000 वाला आमरेस बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी होता है, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं रखता भी नहीं हूं। अगर आप कहते हो तो वो 15-20 मिनट में हम अरेंज कर देते हैं। ये जो हमारे जो आमरेस है ये 7,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक रहने वाले हैं, इसमें पियानो फिनिश, कार्बन फाइबर, ये थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी सेम क्वालिटी होता है। भाई पीपीएफ की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गरवारे ही रखते हैं, हमारे पे सारे ब्रांड होते हैं। बेसिक जो स्टार्टिंग रेंज है पीपीएफ की वो 30,000 की होती है, जैसे जैसे क्वालिटी, वारंटी, ब्रांड नेम ऐड होता रहता है वैसे ही प्राइस अप होते रहते हैं। ये देखो भाई नीचे एम्बियंस लाइट है सारी, थार की प्रॉपर लाइटिंग है, K3 K4, इसमें मैं आपको 5,000 रुपए से लेके 9,500 रुपए तक सारी वैरायटी दे देता हूँ विद फिटमेंट। तो भाई हम बात करते हैं हम जो मॉडिफिकेशन गाड़ी पे की है, हमने सबसे पहले किया भाई पेंट प्रोटेक्शन फिल्म गाड़ी पे, ब्लैक कलर की गाड़ी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है दिल्ली के अंदर गाड़ी पे, स्क्रैचेस वगैरह, धूल मिट्टी डस्ट, कौन रोज रोज साफ कराएगा, कौन स्क्रैचेस हटाएगा, कैसे करेगा, तो भाई हमने पूरी गाड़ी को पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कर दी है। तो भाई हमने लगाई है इसमें उल्टा यू मॉन्स्टर हाइपरसोनिक की हेडलैम्प, और ये लगाया हमने डीआरएल, ये लगाई हमने 7 स्लॉट ग्रिल एबीएस वाली, और ये बम्पर लगाया है हमने रूबीकॉन जो कि हमने पियानो फिनिश रखा है इसके अंदर, और प्रोजेक्टर इसमें लगा डाले हमने जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ उसका इफेक्ट, वो चेक करो भाई इसका विजन, आप देख रहे होगे विजन इसका। तो भाई अभी देखो प्रोजेक्टर ऑफ है, मैं प्रोजेक्टर ऑन करके दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्टर ऑन करो, ये सिर्फ भाई प्रोजेक्टर है, ये देख लो यहाँ पर ये प्रोजेक्टर है बस, और वहाँ पे इफेक्ट्स भी चेक कर सकते हो। अब मैं हेडलैम्प ऑन करवा के दिखाऊंगा, हेडलैम्प का भी आपको विजन दिखाऊंगा कि क्या विजन है। ये देखो भाई हेडलैम्प, हेडलैम्प की भी आपको दिख रही होगी रोशनी, ये हाई बीम, वो देखो सामने रोड के पार पार भी देखो 500 मीटर तक लग भी कैसे एकदम मजेदार तरीके से पूरा विजन आ रहा है। अब भाई मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा दूं, ये जो काम है मैं सही बताऊं तो ये जब तक ये थार में ये काम ना हो ना मेरे को थार बिल्कुल बेकार लगती है। तो भाई ये सारा कंपनी है ना जो मैट फिनिश देती है ना, और हमने किया इसको पियानो ब्लैक, और एडवेंचर किट 16 पीस की जो हमने इस पे लगा दिया, और इसकी लुक क्या निकल के आई है थार की आप देख सकते हो, और ये किया हमने हाइड्रो डिपिंग अलॉय, और रेड टच दिया इसमें अंदर, कैलिबर भी रेड दिए हैं, ये हमने साइड मिरर भी इसके पियानो फिनिश किए हैं, हैंडल भी किए हैं, और ये हमारा भाई बुल ऑन कंपनी का हिंच भी लगाया है, और पीछे की भी लुक आप देख लो, ये हमारी पेट्रोल की बैजिंग है भाई, पीछे की भी आप लुक चेक कर लो, पीछे से भी हमने पूरा काम किया है, पूरा बम्पर पियानो फिनिश किया है इसका, टेल लैंप लगाए हैं और नीचे रिफ्लेक्टर भी लगाए हैं, और ये हमारी स्टेपनी भी हमारी पियानो फिनिश है, ये स्कैनिंग वाला फीचर भी होता है इसके अंदर, पूरा स्कैनिंग वाला, इसमें इंडिकेटर, रिवर्स, सारे फीचर्स में अपने पास होते हैं टेल लैंप में, ये रिवर्स भी ऑन हो गया हमारा व्हाइट एलईडी वाला, ये भी दोनों सेम ही डिजाइन लगाए हैं। पियानो फिनिश की भी फिनिशिंग देख लो आप, एकदम नेक्स्ट लेवल फिनिशिंग है, गाड़ी के साथ बिल्कुल मैच करती है, गाड़ी गंदी नहीं होती है, क्योंकि ये व्हाइट व्हाइट जब पड़ जाता है ना जितनी मर्जी गाड़ी चमक रही हो गाड़ी बहुत गंदी लगती है। और ये हमारा भाई पियानो फिनिश, ये भी देख लो अलॉय, पीछे का लुक ही बिल्कुल हटके आती है, बिल्कुल निखर जाती है गाड़ी, मेरे को तो बहुत पसंद है पियानो फिनिश काम। भाई स्टेयरिंग चेक करो भाई, स्टेयरिंग ये देखो भाई, स्पोर्ट स्टेयरिंग है, फ्लैट बॉटम बोलते हैं इसको, कार्बन फाइबर स्पोर्ट स्टेयरिंग, सारी चीजें वर्किंग है, स्टेयरिंग कंट्रोल, एयरबैग, सारी चीजें वर्किंग है, हॉर्न पैड वगैरह सब वर्किंग है। भाई अगर आपको भी अपनी थार में करानी है नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन तो आप विजिट करें ऑटो गैलरी रानीबाग दिल्ली। तो भाई आपके दोस्त भाई पड़ोसी जिनके पास भी थार है आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। तो भाई अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।